आप देख रहे हैं भोजपुर की आवाज न्यूज चैनल पर कोरोना संक्रमण पर बीएमओ डॉक्टर अरविंद चौहान से सीधी बात। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है, सोशल मीडिया में और विभिन्न माध्यमों से अफवाहों का दौर चल रहा है। यदि हम शहर की बात करें तो जब भी किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति को स्वास्थ्य विभाग होम क्वारंटाइन करने की कार्रवाई करता है, लोग कोरोना पॉजिटिव मिलने की अफवाहें शहर में फैलाने लगते हैं। आइए आज इन्हीं सब बातों पर हम ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान से बात करते हैं कि वास्तविकता क्या है। नमस्कार सर, शहर में इस समय कोरोना पॉजिटिव मिलने की लगातार अफवाहें फैल रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? टोटल निराधार है, न जाने जो लोग उसको जिसको हम क्वारंटाइन करते हैं या जांच करने दल जाता है हमारा, तो हर किसी का मानना होता है क्योंकि लोग इस समय घरों में रह रहे हैं और फ्री हैं, तो वो जब भी टीम पहुँचती है हमारी तो लोगों का मानना होता है कि पॉजिटिव मिल गया है, जबकि संपर्क कौन आते हैं मेरे पास, तो मैं हर किसी को यही समझाता हूँ कि अगर ये कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा, हर किसी को पता लगा बताया जाएगा समय के अनुसार और जो भी संदिग्ध होगा उसकी हम जांच कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ अब तक अपने ब्लॉक में एक भी मरीज नहीं मिला है जो कि पॉजिटिव हो। हमने 30 लोगों से ज़्यादा लोगों के भी सैंपल भी करा चुके हैं और आज भी मैं ये सिंगल होम्स में 10 लोगों के सैंपल कराने आया हूँ और मकुड़िया गाँव में वहाँ भी 9 लोगों के सैंपल कराने हैं, तो अभी तक ऐसा कोई भी पॉजिटिव अभी मरीज नहीं मिला है अपने ब्लॉक में। सर, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं उनकी स्वास्थ्य परीक्षण की किस तरह की प्रक्रिया होती है जिससे लोगों में कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा आप बारे में बताएंगे? जी, अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड एरिया जैसे कुछ जिले हैं या प्रदेश है जहाँ से आ रहा है वापस लौट के आ रहा है, तो पुलिस द्वारा या फिर ग्राम सचिव द्वारा पंचायत द्वारा हमें सूचना मिलती है और हमारे हेल्थ वर्कर की जो गाँव गाँव में जो रहते हैं आशा कार्यकर्ता उनके द्वारा हमें सूचना मिलती है, तो अपने रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई है वो जाके तुरंत जाके उनका पहले घर में घुसने से पहले उनका परीक्षण किया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, तो वही इन्फॉर्मेशन से प्राथमिक उपचार परीक्षण करने के बाद अगर वो नॉर्मल पाए जाते हैं, बुखार नहीं है उनको और खांसी नहीं है, कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण नहीं है, तो उन्हें हम 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन कर देते हैं और जो लिस्ट है वो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से हम शेयर कर देते हैं, वो डेली सुबह शाम लगातार 14 दिन तक उनका होम विजिट करती हैं, किसी प्रकार के लक्षण होने पर हमें बताया जाता है तो हम मेडिकल टीम उनके घर पहुँचाते हैं। सर, ब्लॉक में अब तक कितने संदिग्धों को सैंपल लेके जाँच के लिए भेजे जा चुके हैं? अब तक 30 तो सैंपल मैं भेज चुका हूँ ब्लॉक से अपने यहाँ से और अभी आज में लगभग 20 और जाने वाले हैं, तो सैंपल का एक क्राइटेरिया होता है, हर किसी जो लोग बाहर से आए हैं तो उनका हर किसी का सैंपल नहीं पॉसिबल ही नहीं है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिसमें कुछ लक्षण मिल रहे हों उनमें ही सैंपल किया जाता है ताकि उसमें रिपोर्ट में पॉजिटिव आने की संभावना भी रहे। ऐसे तो हम लोग 2400 से 2400 लोगों को होम क्वारंटाइन कर चुके हैं लेकिन अब तक सिर्फ 30 लोगों के सैंपल भेजे हैं और आज 20 और लोगों के और भेज रहे हैं, लगभग 50-60 लोगों के सैंपल हमारे ब्लॉक से हो जाएंगे। सर, लोगों को जो अफवाहों के तौर पर कुछ संदेश देना चाहिए? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग हम लोगों पर विश्वास रखें, हम लोग बराबर आप सभी मीडिया पुलिस और प्रशासन शासन प्रशासन सभी लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहें, बस जो नियम हैं कानून के शासन के प्रशासन के कार्यक्रम होते हैं निवेदन कर रहे हैं बस उसका कड़ाई से पालन करें और हम लोगों को विश्वास रखें, किसी की बातों में ना आए, कुछ भी आएगा नेगेटिव पॉजिटिव आपसे जरूर शेयर किया जाएगा क्योंकि ये आपकी जान से और आपके परिवार से और आपके देश से संबंधित विषय है, इसको छुपाने वाली कोई बात नहीं, आपको बताया जाएगा और हम ही बताएंगे आपको। तो आपने सुना कि हमारे बीएमओ डॉक्टर अरविंद सिंह चौहान ने बताया है कि अभी तक ब्लॉक में एक भी पॉजिटिव व्यक्ति नहीं मिला है और जो अफवाहें चल रही हैं वो कोरी अफवाह है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने घरों में सुरक्षित रहें।